आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न कॉरपोरेशन एंड इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स देखेंगे। सी, मॉडर्न कॉरपोरेशन मतलब मेन मॉडर्न कंपनीज और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं। नाउ स्टेक होल्डर्स क्या होगा? सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज जिनके साथ उनका कनेक्शन है। अच्छा, स्टेक होल्डर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आपको वीडियो देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। मैं आपको 8 से 10 एग्जाम्पल दूंगा जिससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न कॉरपोरेशन। ये वाइटल रोल ही नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल लेता है, क्योंकि बोइंग कंपनी में स्ट्राइक चालू है। ठीक है, अब बोइंग वर्ल्ड वाइड मेन पैसेंजर जो जेट्स है, ठीक है, वो दो ही कंपनीज है, बोइंग और एयरबस, दोनों जगह पे एम्प्लॉय का प्रॉब्लम हुआ है। सो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में उनका जो एम्प्लॉयज का स्ट्राइक चाहिए, एम्प्लॉय को करीबन 40% पगार बढ़ा हुआ चाहिए। बोइंग आई थिंक 30% देने को तैयार है, तो अभी तक वो सॉल्यूशन नहीं आया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि उनका जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन, जो स्टेक होल्डर है एम्प्लॉय, उनके साथ कुछ लैप्स हुआ है। ठीक है, सो जो आजकल के मीडिया रिलेशंस, पब्लिक अफेयर्स, इंटरनल कम्युनिकेशन, इमेज बिल्डिंग, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मीडिया रिलेशंस। अभी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में स्ट्राइक चल रहा है, 2nd मंथ है। अभी मीडिया में अलग अलग लोग का बोलना है। ठीक है, कंपनी का बोलना है हमने एम्प्लॉय के लगभग सारे मांगे पूरे कर दिए। एम्प्लॉय बोलते हैं हमारी मेन मांग उन्होंने पूरा नहीं किया, और वो मेन मांग था कि यूनियन को जो रिकग्निशन देना, और वो लोग तैयार नहीं है। CITO करके यूनियन है जो जुड़ना चाहता है, बट वो लोग कंपनी रिकग्निशन देना नहीं चाहते। फिर पब्लिक अफेयर्स, अच्छा इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, गवर्नमेंट के लोग भी आए, लेकिन 30-35 दिन हो गए, स्ट्राइक डेडलॉक में है, दिवाली 15 दिन में आ गया। सबसे ज़्यादा 50% इलेक्ट्रॉनिक्स दिवाली में बिकता है, कोई सोल्यूशन नहीं है। इंटरनल कम्युनिकेशन का भी सक्सेस नहीं आ रहा है, इमेज खराब हो रही है कंपनी की। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि मॉडर्न कॉरपोरेशन को सिर्फ गुड्स बेचना नहीं है, उनको कस्टमर रिलेशन, इमेज बिल्डिंग, इवेंट मैनेजमेंट, रेप्यूटेशन, पूरा रेप्यूटेशन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का खराब हो गया है इसकी वजह से। सो व्हाट विल हैपन कि ये बिकॉज ये इमेज खराब हो चुका है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा एलजी का होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मेन कॉम्पिटिटर है। दूसरा, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इन्वॉल्व द होल रेंज ऑफ मैनेजरल एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, काउंसलिंग एंड सीईओ मैनेजर्स टेक्टिकल स्किल्स इन्वॉल्व, जिससे हम मैसेज रेलेवेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स को पास ऑन कर सके। अभी लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। कल परसों में रिलायंस का रिजल्ट आया, अब उनके जो स्टेक होल्डर्स है उसमें शेयर होल्डर्स ही नहीं है। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क है, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, सप्लायर, जो भी कनेक्टेड टू द कंपनी है। सो ये जो मैनेजरल एक्टिविटी है, रिजल्ट उनका 2 दिन पहले आया, वेबसाइट में अपलोडिंग, मीडिया को बताना, एम्प्लॉय को पता चलना, गवर्नमेंट को बताना, शेयर बाजार को बताना, ठीक है ना, सेबी को बताना, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना, ये सब कंपनी को स्टेक होल्डर के प्रति करना होगा। यदि एक सिंपल सा लैप्स हो गया, जेट एयरवेज का एग्जांपल लेता हूँ, जेट एयरवेज अभी तो फ्लाइट्स नहीं चला रहा है, तो जेट एयरवेज अच्छा चल रहा था, एटलीस्ट लोगों को लग रहा था कि इट वॉज डूइंग गुड। तो आई थिंक इट वॉज 29th ऑफ अक्टूबर के आसपास कुछ तो रिजल्ट अनाउंसमेंट का डेट था, और वो उन्होंने डिले कर दिया, पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। तब जाकर पता चला कि जेट एयरवेज की हालत इतनी खराब है, और फिर उसके बाद जो न्यूज़ है, जेट एयरवेज उड़ ही नहीं रहा है काफी साल से। कंपनी पर इल्जाम लगा आपने लोन लिया और वो डाइवर्ट कर दिया, उसके नरेश गोयल अरेस्टेड थे। ठीक है ना, तो बहुत बड़े किस्से हुए थे। सो कॉरपोरेट
कम्युनिकेशन जो है कैन बी टर्म्ड एज मैनेजमेंट फंक्शन जो ऑफर करता है फ्रेमवर्क इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. सी आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, इंटरनल कम्युनिकेशन एम्प्लॉय के साथ करना पड़ेगा, आपको रेगुलर टच में रहना पड़ेगा एम्प्लॉय. सी मार्केट डाउन है, आईटी से लेकर बहुत सारे कंपनीज में लोगों को जॉब जाने का खतरा है. सो इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग एम्प्लॉय को बता रहे हो कि एवरीथिंग इज ओके, कंपनी इज डूइंग फाइन, कोई भी हम जॉब कटिंग नहीं करने वाले. दैट इज व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज वो जो आप करते हो कस्टमर या सप्लायर इनके साथ, आपको बैलेंस रखना होता है. अच्छा, यदि प्राइस चेंज हुआ है तो उसके रीजन बताने पड़ेंगे कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है. सो कंपनी ये सब प्रेस रिलीज करती है, पब्लिक को बताती है कि दीज आर द चेंजेस. अब मर्सिडीज बेंज का एग्जाम्पल लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कुछ 1.5 करोड़ की गाड़ी थी, उन्होंने 25-30 लाख रुपए आई थिंक कम किया. उन्होंने बोला कि पब्लिक के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है. सो आप पब्लिक को कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म करो क्या चल रहा है. और ये जो मॉडर्न कॉरपोरेट हाउसेज है, ये लोग काफ़ी कम्युनिकेशन डिसिप्लिन एक साथ लेकर आए हैं, सिंगल डिपार्टमेंट ना. और इसका सबसे बड़ा योगदान है डिजिटल मार्केटिंग का. एक ज़माने में प्रेस रिलीज करते थे, वेबसाइट पर डालते थे, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फेसबुक, हर एक कंपनी का फेसबुक में एक पेज है, इंस्टाग्राम में आपको पेज मिलेगा, पहले व्हाट्सएप में इतना नहीं था, अभी व्हाट्सएप में आपको कंपनी के प्रमोशनल मैसेजेस आएंगे, ईमेल तो हर कुछ दिन में आएंगे. सो सिंपल सा लॉजिक है, देखो ईमेल में आता है, व्हाट्सएप में आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम. सो कम्युनिकेशन का जरिया बोलते ना, सिर्फ प्रेस रिलीज करके वेबसाइट पे अपलोड करने का नहीं रहा, अभी टीवी में इंटरव्यूज देना, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अभी काफ़ी बढ़ गया है. आपको कंसोलिडेटेड अम्ब्रेला में बहुत सारे चीज़ें कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, फास्ट पहुंचाना पड़ेगा कस्टमर तक, प्रोडक्ट लॉन्चेस बताने पड़ेंगे, ठीक है ना. सो इंटरेक्शन का क्या फ़ायदा होता है, कॉरपोरेट कम्युनिकेटर्स को ये काम दे दिया तो आसानी होता है, और कंपनी का पॉलिसी क्लियर कट बताया जाए, हमारा क्या पॉलिसी है, डिसीजंस टाइमली लिया जाए, ब्रांड सी सब कुछ ब्रांड पे. तो आज एप्पल का 16 जो प्रो मैक्स है, आईफोन 16 प्रो मैक्स ब्रांड इसलिए तो जोर से बिक रहा है, ठीक है. लोग जो चाहते हैं आइडेंटिटी, जैसे अभी जिप फोल्ड है ना, जेड फोल्ड, अभी शॉमी या किसने एक ऐसा पेटेंट निकाला है, वो तुम दोनों फोन को अलग कर सकते हैं, फिर बाद में मैग्नेट से जैसे चिपक जाते हैं ना. तो सोचो लोग जब जिप फोल्ड लेते हैं तो हो सकता है कि लोग को कंफर्टेबल नहीं लगता हो, एक हिस्सा की ज़रूरत ना हो. सो तुम ये जो क्रिएट किए हो ये पब्लिक को बता रहे हो. और कई बार न्यूज़ में आता है ना, ब्रांड का ये फीचर अभी से लीक हो गया लॉन्चिंग से पहले, ये सब पब्लिक मीम बोलते ना, ये खुद कंपनी ही करती होगी मोस्टली, ऐसे कैसे लीक करते होंगे. जब काम अंदर चलता है तो मोबाइल फोन थोड़ी अलाउड होते हैं, कैमरा थोड़ी अलाउड होते हैं. फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करो, क्राइसिस और डिजास्टर्स को मैनेज करो. सो इन शॉर्ट जो इंटरेक्शन है कंपनी का विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स विच इंक्लूड सप्लायर्स और कस्टमर्स, ये निरंतर चालू रहता है. पहले बहुत आसान था, एक एक टाइपराइटर में या कंप्यूटर में डेटा बनाओ, प्रिंट करो, प्रेस रिलीज में न्यूज़पेपर वालों को दे दो, और बस वेबसाइट में अपलोड करो, और कुछ नहीं होता था. अभी उसके इंटरव्यू से लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर, अलग अलग चैनल से अपलोड से लेकर, ये पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया है, एक आदमी का काम नहीं रहा है, बहुत बड़ा काम हो गया. तो ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न कॉरपोरेशन एंड इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स. वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.